नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। धनबाद नगर निगम वार्ड संख्या 3 अंतर्गत सलानपुर बस्ती, जहां की एक सड़क बारिश के दिनों में नाली के मलबे से पटा पड़ा होता है। स्थानीय लोगों की माने तो बस्ती की एक बड़ी नाली जिसमें बस्ती से सभी इलाकों से पानी आता है, जिसे निगम द्वारा किसी सड़क के निर्माण के साथ साथ इस सड़क के छोटी नाली में जोड़ दिया गया। पानी का बहाव तेज होने पर नाली का मलबा सड़क किनारे स्थित घरों के दरवाजे पर जमा हो जाता है। सड़क की बदहाल स्थिति और सड़क पर ही नालियों का बहना सुअरों का चारागाह बन गया, जिससे लोग लंबे समय से खासे परेशान हैं। समस्या को लेकर परेशान स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग को लगभग 5 वर्षों से लगातार लिखित सूचना देकर अवगत कराते हुए निदान की गुहार लगाई। साथ ही स्थानीय निगम प्रतिनिधियों को भी सूचित किया, पर आज तक समाधान नहीं हुआ, बल्कि दिनों दिन समस्या बढ़ती ही जा रही है। लोगों में इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। पूरी समस्या है कि रोड तो पक्की उधर बना दिए और नाला बना दिए हैं, और नाला बना पूरा सलामपुर के नाला क्या पानी गिरता है, हाँ बड़ा नाला है, वो बड़ा नाला निकाल दिया है छोटा नाला में, और छोटा नाला में निकाल दिया है, जब पानी पड़ता है तो छोटा नाला भर के ऊपर वह पानी बहने लगता है, और पूरा रोड कच्चाहीन हो जाता है, दरवाजा कच्चाहीन हो जाता है, छोटा छोटा बाल बच्चा है सबको दिक्कत होता है, गिरता पड़ता है, रह रगिर सबको दिक्कत है। देखो हमरे प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। अरे ये आया है जब से मतलब 10-15 साल से यही समस्या, कोई नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। बहुत लोग के हम बोले, बहुत लोग के लिख के दिए, हाँ विनय गुप्ता के पास कितना बार गए, औरत होकर के, औरत होकर के 4-5 लेडीज गए, हाँ जोरे बोले भैया बाबू बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। गुहार यही लगाएंगे कि जैसे उधर बना दिए हैं उसी तरह हम लोग का भी नाला बना दिया जाए, रोड बन जाए। सुअर दरवाजा पर नहीं, सुअर सीधे घर में भी घुस जाता है, रोटी भात सब खा जाता है, इतना प्रॉब्लम है हम लोग का। हाँ तो सुअर आता नहीं आता, नाली ढका रहता तो सुअर नहीं, रोड बनाए हैं ना, नाला बनाए हैं ना, पानी का सुविधा है। अब बोलिए खाली वोट लेने आ जाते हैं, दीदी हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दीजिएगा, कौची का वोट देंगे हम, वोट उठ हम लोग मोहल्ला में किसी को नहीं देंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा, नाला नहीं बनेगा, तब तक सुविधा नहीं लगेगा, पानी नहीं देगा, रोड नहीं बनाएगा। समस्या ये सर की जैसे कि पानी पड़ने के बाद में पूरा कीचड़ हो जाता है, तक हम लोग यहाँ पर रोड नहीं बना, नाली नहीं बना, जिसका कारण है कि देखिए यहाँ पर कितना पूरा कचरा हो जाता है, आदमी एक दो को डेली गिरता है, कम से कम 50 से आने वाला हजारों हजार आदमी आते जाते हैं, मगर आप लोग जब आते हैं तो कुछ आशा बनता है हम लोगों की, नहीं कुछ होगा। कारण है कि उधर से बड़ा नाली जो मिला दिया हम लोग, इधर छोटा नाली है बड़ा नाली मिला दिया निगम वाला, कैसा इंजीनियर था क्या था, मिला के वहाँ पर आधा दूर तक रोड बनाया, मगर इधर बनाया और नहीं इधर नाली भी नहीं बनाया, रोड भी नहीं बनाया, जिसके चलते पूरा गोबर और मतलब कि रोड का हाल तो देख ही रहे क्या, नाली का पूरा मलबा रोड पे आता है, तो पूरा पूरा चलने लायक नहीं है सर, क्या बोला जाए। अच्छा ऐसा है कि मतलब कि आप चारों बगल रोड बन चुका है नाली, हम लोग का आज तक यहाँ पर बना नहीं, जबकि हजारों हजार आदमी देखिए सर अभी भी आधी पार हो रहे हैं, काफ़ी आधी पार होते हैं, इधर से पूरा सलानपुर नीचे पट्टी बेलदार पट्टी पूरा बाजार का ही रास्ता, देखिए पीछे जो ठेला आ रहा है अभी बाजार ही जा रहा है, टोटल पूरा केसलपुर तक का आदमी इधर से ही आता है, पूरा मेन मतलब कि रास्ता हम लोग का यही है, मगर यहाँ का कोई महत्व नहीं दिया गया है रोड का, और हम लोग कचरा के तरह रहते हैं, कचरा में रह रहे हैं।